बैतूल जिले के आमला के बीजेपी विधायक और कांग्रेसियों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। विवाद के बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे का मंच से ही कांग्रेसियों पर गुस्सा फूट पड़ा और उनके मुंह से गाली तक निकल गई। समझ रहा होगा आपको, जनता को भी गाली देते इस तरह की, मेरे मुंह से भी अब शब्द निकला, उसके लिए माफी। लेकिन ये इस तरह के अराजक लोग हैं जो माता और बहनों का सम्मान करना नहीं जानते, उन लीजिए माता और बहनों को क्या स्थिति होगी। आज खड़े होकर चौराहे पे गाली दे रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए और जनता को भी ये समझना चाहिए कि किन लोगों को आपने चुना है। जो माता बहनों का सम्मान करना नहीं जानते वो लोग आज सत्ता में बैठे। हालांकि अपशब्द कहने के तुरंत बाद पंडागरे ने माफी मांग ली, लेकिन कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। बहरहाल आपको पूरा मामला बताते हैं। ये बवाल शुरू हुआ रविवार को। आमला में सड़क बनाने की मांग लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। इसी दौरान विकास यात्रा में शामिल होने के लिए विधायक पंडागरे वहां से निकल रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोक ली और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने उनकी कार पर हाथ पटक दिया और विधायक के ड्राइवर ने नीचे उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ता की कॉलर पकड़ ली। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेसियों ने आमला पुलिस थाने में विधायक और उनके ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसी मामले को लेकर विधायक पंडागरे गुस्से में आ गए और मंच से ही कांग्रेसियों को जमकर खरी खोटी सुना डाली। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।